उसने अपुन को मारा, लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ दो मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं? राज ठाकरे, जन्म 14 जून 1968, पुरानी पहचान शिवसेना प्रमुख पाल ठाकरे के भतीजे, शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई, शिवसेना की नई पीढ़ी के सबसे करिश्माई नेता। नई पहचान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख, शिवसेना के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, 3 साल में ही अपनी अलग पहचान। राज ठाकरे को बाल ठाकरे की परछाई से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। महज 3 साल पहले ही राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई और बिना किसी मजबूत संगठन के वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे और बाल ठाकरे की पत्नी की सगी बहन का बेटा होने की वजह से राज ठाकरे के लिए शिवसेना से बगावत करना और अपने चाचा बाल ठाकरे और चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन राज ठाकरे को उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने खून के रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर दिया। और देखते ही देखते राज ठाकरे 43 साल पुरानी पार्टी शिवसेना के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बन गए। दरअसल राज ठाकरे शिवसेना के लिए इसलिए भी सबसे बड़ा खतरा बन गए क्योंकि उन्हें सियासत की ट्रेनिंग उनके चाचा और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने ही दी थी। बाल ठाकरे को शायद अपने भतीजे राज ठाकरे में अपनी छवि नजर आती थी, इसलिए वो राज ठाकरे को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे। राज ठाकरे भी अपने चाचा के बेहद करीब थे। बचपन से ही राज ठाकरे की शख्सियत पर बाल ठाकरे के हर अंदाज की गहरी छाप पड़ने लगी थी। अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह ही पेंटिंग करना, चित्रकारी करना और कार्टून बनाना राज ठाकरे की खासियत थी। बाल ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे अगर नेता नहीं बनते तो शायद कार्टूनिस्ट होते। फर्क सिर्फ इतना था कि बाल ठाकरे चाहकर भी मुंबई के मशहूर कॉलेज जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई नहीं कर पाए, जबकि राज ठाकरे ने वहां से फाइन आर्ट्स में बीए की डिग्री लेकर अपने चाचा के अधूरे सपने को पूरा किया। कुल मिलाकर अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे का दिमाग भले ही नेताओं वाला हो, लेकिन दिल से वो भी उनकी तरह ही एक कलाकार है। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो अंदर है वही बाहर है, जो घर में बात करते हैं वही वो बाहर बात करते हैं, घर में जैसी बात करते हैं वैसी बाहर बात करते हैं। तो ऐसे कोई अलग अलग कोई चीज़ है, एक आर्टिस्ट है वो, एक कलाकार है और कलाकार एक अपनी मस्ती में रहता है, बस वही चीज़ उनकी पॉलिटिकल करियर में भी है। बचपन से ही राजनीतिक माहौल में पले बढ़े राज ठाकरे कलाकार बनने के बजाय नेता बन गए और जे कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में रुचि लेने लगे। बाल ठाकरे की पारखी आंखों ने राज ठाकरे को पहचान लिया और उन्हें 1990 में भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बना दिया। राज ठाकरे ने शिव उद्योग सेना का गठन भी किया। राज ठाकरे अपने चाचा के हर अंदाज को बहुत ही बारीकी से देखकर उसकी कॉपी करने लगे और देखते ही देखते शिवसेना में जूनियर बाल ठाकरे के रूप में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। शिवसेना में भी राज ठाकरे का वजूद बहुत बड़ा था। बाला साहब ने उनको पार्टी का नेता भी बनाया था, भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया था। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बाला साहब ने उनको बहुत जवाबदारी दी थी पार्टी में और राज ठाकरे ने ये जवाबदारी निभाई भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है।
राज ने काम किया और भाई साहब ने उसको मनाई नहीं की, क्यों मनाई करेंगे, क्योंकि तब ऐसा नहीं लग रहा था कि उद्धव पॉलिटिक्स में आए। 90 के दशक के आखिरी 5 सालों में शिवसेना अपने पूरे उफान पर थी, लेकिन बाल ठाकरे की उम्र ढलने लगी थी। राज ठाकरे बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे थे। लेकिन 1996 में अचानक बाल ठाकरे के सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे ने फोटोग्राफी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया और यहीं से शिवसेना में राज ठाकरे की किस्मत तय हो गई। उद्धव के राजनीति में सक्रिय होने के बाद राज ठाकरे की शिवसेना में पूछ कम होने लगी। राज ठाकरे को समझ में आने लगा कि शिवसेना की कमान संभालने की दावेदारी बड़े भाई होने और बाल ठाकरे के बेटे होने के नाते उद्धव ठाकरे की ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो उद्धव ठाकरे के साथ 10 साल तक मिलकर काम करते रहे और सही वक्त पर सही फैसला लेने का इंतजार करते रहे। शिवसेना बाळासाहेब के बाद कौन चलाएगा, इसका जब निर्णय करने का समय आ गया तब बाळासाहेब की इच्छा थी कि दोनों साथ में रहे और उन्होंने ऐसी बहुत कोशिश भी की, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल, टू सेंटर्स ऑफ पावर कैन नॉट बी देयर। एक ही संगठन के अंदर दो सत्ता केंद्र नहीं हो सकते हैं। साल 2003 में वही हुआ जिस बात का राज ठाकरे को डर था। उद्धव ठाकरे को राजनीति में राज ठाकरे की तुलना में कम अनुभव होने के बावजूद शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। वक्त की नजाकत को देखते हुए राज ठाकरे ने उस वक्त इस फैसले का विरोध करने के बजाय समर्थन किया और सही वक्त का इंतजार करने लगे। उद्धव जी को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बाळासाहेब ने नहीं बनाया। महाबलेश्वर में जो शिवसेना का अधिवेशन हुआ था उसमें शिवसेना के सभी पदाधिकारी, शिवसेना के सभी नेता और शिव सैनिकों ने मिलकर ये ठराव मंजूर किया है कि उद्धव ठाकरे साहब के हाथ में पार्टी की कमान होनी चाहिए और खुद राज ठाकरे साहब ने उसको अनुमोदन दिया था, ये ठराव सामने लाया था। बाला साहब ने पूछा कि मैं नहीं बना रहा, ये आपका प्रस्ताव है, आप फिर एक बार सोचो और कहिए, नहीं तो लोग मेरे पे आरोप लगाएंगे। मैं लोगों को कहा कि आपको पसंद हो तो हाँ कहो, नहीं हो तो ना कहो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां नजर आने लगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उद्धव ठाकरे को अपना नेतृत्व साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती थी 2004 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसमें शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा और राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राज ठाकरे खुलकर उद्धव के खिलाफ बोलने लगे। मालवणच्या यशामुळे त्यांनी सेनेच्या नेतृत्वाबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न खरे आहेत की काय अशी एक जबरदस्त शंका शिवसैनिकांच्या मनात आहे। ही सगळी खळबळ उद्धवना कळत नाही काय? उद्धवने पक्षाचे वाटोळे केले असं सर्वदूर मत आहे। उद्धव पक्ष उभा करू शकत नाही हे सर्व महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकांचे व जनतेचे मत आहे। उसने अपुन को मारा, लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ दो मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं।